हाय दोस्तों, मैं जीवितेश और सर्विंग पापा क्लासेस में आपका मैं स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आइए, आज हम देखते हैं कि मशीन कैसे सेटअप करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बबल को सेट किया जाता है। देखिए बबल, वाटर बबल सही होना चाहिए। अभी एक प्रेसी आती है, अभी थोड़ा सा आउट जा रहा है अपना। अभी इसको हम स्टैंड से या फिर इससे अपना इसको बीच में करेंगे, सेट करेंगे। पावर बटन प्रेस करेंगे। अब ये हमारे साथ सामने आ गया, मेनू आ गया। अब OBS यानी F1 को हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा दिख रहा है। अब इसको हम इसके माध्यम से ही इसको जीरो करने की कोशिश करेंगे। चलेगा अभी, जैसे कि चार चार है, तीन चार है, तभी तो दिखाने के लिए आपको मैं इसे कर रहा हूँ। बाकी इसको जीरो जीरो करने की ही कोशिश करें इसको जब भी सेट करें। अब मैं इसको F1 से ही ओके करता हूँ। ये हमारा मशीन अब सेट है। अब हमारा मशीन जैसे कि हमने ये पॉइंट पे अभी सेट किया, जैसे कि अपना ये यहाँ पे पॉइंट बना रखे थे, यानी कि उसको जो नीचे ये वाला पॉइंट है, इसका जो सेंटर जब हम इससे देखेंगे तो ये बीच में आना चाहिए, यानी कि बीच में है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट हो चुका है पॉइंट के ऊपर में। अब हमको बैक करना है, तो बैक करने के लिए कोई सा भी एक पॉइंट हम लेंगे। अभी जैसे कि सबसे पहले F1 मेनू में जाएंगे, हम मेनू में, उसके बाद में हम कोऑर्डिनेट में जाके बैक करेंगे, रिसेक्शन करेंगे, या जो भी करना है हमको कोऑर्डिनेट में ही जाना पड़ेगा। सो कोऑर्डिनेट को हम एंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद में ओरिएंटेशन में हमको जाना है, ठीक है। ओरिएंटेशन में गए, इसको एंटर किए। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट यानी कि जिस पॉइंट पे हम मशीन लगा रखे हैं उसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो जो भी ABCD यहाँ पर पहले से ही कोऑर्डिनेट डाला है, मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद में PSNEZ, ये जो लिखा है F3 के ऊपर में PSNEZ, हमको ये प्रेस करना है। ये प्रेस करेंगे तो फिर सेकंड पॉइंट हमसे मांग रहा है, वो जो जहाँ पे हम बैक करेंगे उस जगह का कोऑर्डिनेट, जो भी है हम इसी को रख के कंटिन्यू कर लेते हैं। इसको हम ओके करते हैं F4 से, ठीक है। अब ये मेजर करने का ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पर मेजर करना है, तो पहले तो मैं इसको अभी प्रिज्म में नहीं लगा रहा हूँ, तो इसको शिफ्ट बटन से मैं नॉन प्रिज्म पे कर लूँगा। ये देखिए, ये एरो आ गया, इसका मतलब है ये नॉन प्रिज्म पे है ये, ठीक है। अब हम कोई सा भी पॉइंट पकड़ के हम मेजर कर लेते हैं। अब देखिए, हम एक पॉइंट पे सेट कर चुके हैं, अब मेजर करते हैं, ठीक है। मेजर किए, ये पॉइंट लिया, ये गड़बड़ दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है, क्योंकि वो जो कोऑर्डिनेट डाला था मैं, वो कोऑर्डिनेट सही नहीं है। फिर तो आपको बताने के लिए मैं उसी कोऑर्डिनेट को ले लिया था, तो ये क्योंकि ये यहाँ पे जो आएगा ना, ये यदि सही हो तो 0-0 ही आएगा, ये तो चरे में इधर उधर ही आता है। तो इसको मैं ओके करता हूँ, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन पर जाके हम लोग क्या करते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ से उसी पॉइंट को फिर मेजर करेंगे, ठीक है। अब मेजर करने के बाद में जो हमारे स्क्रीन पे जो कोऑर्डिनेट आया है, ठीक है, उस कोऑर्डिनेट को और हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट था, दोनों को मिला के देख लेंगे कि दोनों सेम है या नहीं है। दोनों सेम है तो यानी कि हमारी मशीन सेट हो चुकी है, अब काम हम इसे कर सकते हैं। और यदि गलत आ रहा है, इसका नॉर्थिंग या ईस्टिंग किसी में भी डिफरेंस आ रहा है, तो फिर मशीन को फिर से सेट करें या देखें कहाँ पे गड़बड़ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मशीन कैसे सेट करते हैं इसकी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो, इससे कुछ जानकारी मिली हो, तो ये प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दें।
और कमेंट बटन में आप लिख के हमको ज़रूर ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, या फिर उसमें कुछ कमी है, कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सर्वे बाबा क्लासेस की तरफ से मैं जीतेश।